जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके में, दैट इज महारत्न कंपनीज ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया में टोटल 10 महारत्न कंपनियां हैं और हम एक एक करके सभी महारत्न कंपनियों के बारे में देखेंगे कि वो कंपनी क्या काम करती है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और करंट टाइम पे उसके चेयरमैन कौन है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में महारत्न कंपनीज के द्वारा कि महारत्न कंपनियाँ हमारे यहाँ कौन से, किसके कौन चेयरमैन हैं, किसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रिसाइजली। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं, आज हम जिस महारत्न कंपनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टील कंपनी है और ये स्टील ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ये जो हेडक्वार्टर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो ये बेसिकली इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टील कंपनी है और वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो 20th नंबर पर इसका नाम आता है, 20th लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूस करने वाली, स्टील प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनी है, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट ओन्ड स्टील प्रोड्यूसर बेस्ड इन न्यू दिल्ली इंडिया। ये आपको पता होना चाहिए कि सेल का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली इंडिया। नाउ इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है उसके अंतर्गत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आता है। इनकॉर्पोरेटेड ऑन 24th January 1973, सेल इज द 20th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट इन इंडिया। देखिए, सेल जो है वो 20th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में एंड द लार्जेस्ट इन इंडिया, इंडिया में जो है सबसे लार्जेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, सेल ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड विच वॉज सेटअप ऑन 19th January 1954, वॉज इनिशियली डिजाइंड टू मैनेज ओनली वन प्लांट दैट वॉज कमिंग अप एट राउरकिला। देखिए, सेल जो एक्चुअली जो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, पहले इस कंपनी का नाम हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड था। इस कंपनी को सेटअप किया गया था 19th January 1954 में और उस टाइम पर ये जो कंपनी बनी थी इसको मैनेज करने के लिए सिर्फ एक ही प्लांट लगाया गया था, दैट इज इन राउरकिला। राउरकिला में स्टील का प्लांट है जो कि आज भी एग्जिस्टिंग में है और ये शुरुआत थी, इनिशियली सिर्फ एक ही प्लांट सेल के उसमें था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ओरिजिन था वो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से था, विच वॉज सेटअप ऑन 19th January 1954। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फॉर भिलाई एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट्स द प्रिलिमिनरी वर्क वॉज डन बाय आयरन एंड स्टील मिनिस्ट्री। देखिए, भिलाई और दुर्गापुर में जो स्टील प्लांट्स थे उनका जो इनिशियल लेवल पर जो वर्क था वो आयरन और स्टील मिनिस्ट्री ने चालू किया था। फ्रॉम अप्रैल 1957 द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ दीज टू स्टील प्लांट्स वेयर ऑल्सो ट्रांसफर टू हिंदुस्तान स्टील। मतलब देखिए, पहले क्या हुआ, सबसे पहले हिंदुस्तान स्टील बनाई गई 19th January 1954 में, उसके बाद फिर भिलाई और दुर्गापुर में भी स्टील प्लांट का काम शुरू हुआ और अप्रैल 1957 में इसका सुपरविजन और कंट्रोल किसको ट्रांसफर कर दिया गया, हिंदुस्तान स्टील को। द रजिस्टर्ड ऑफिस वॉज ओरिजिनली इन न्यू दिल्ली। रजिस्टर्ड ऑफिस जो था वो ओरिजिनली कहाँ पे था, न्यू दिल्ली में। इट मूव टू कलकत्ता इन जुलाई 1956 एंड अल्टीमेटली टू रांची इन दिसंबर 1959। मतलब ये जो इसका हिंदुस्तान स्टील का जो इनिशियल लेवल पर जो रजिस्टर्ड ऑफिस था वो नई दिल्ली में था, फिर इसको कलकत्ता मूव किया गया जुलाई 1956 में एंड अल्टीमेटली इट रीचेस टू रांची इन दिसंबर 1959। नेक्स्ट अगर हम बात करें,
तो व्हाट आर द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स ऑफ सेल, सेल के इंटीग्रेटेड कौन कौन से स्टील प्लांट्स हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहला प्लांट जो था वो था राउरकेला स्टील प्लांट, जो कि उड़ीसा में है। इसको 1959 में सेटअप किया गया था विद जर्मन कोलैबोरेशन। देखिए, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि जो राउरकेला स्टील प्लांट है उसमें फॉरेन कोलैबोरेशन किसका है, मतलब भारत ने किस देश के, दूसरे देश की मदद से वहां पर स्टील प्लांट लगाया। तो राउरकेला स्टील प्लांट की बात करें तो वो था विद जर्मन कोलैबोरेशन, मतलब वहां पर जर्मनी के साथ उनका कोलैबोरेशन था। फिर उसके बाद अगर सेकंड बात करें तो भिलाई स्टील प्लांट, जो कि छत्तीसगढ़ में है, 1959 में ये भी सेटअप हुआ, बट विद सोवियत कोलैबोरेशन। देखिए, सोवियत कोलैबोरेशन मतलब उस टाइम पर जो आज की डेट में रशिया है, वो उस टाइम पर सोवियत यूनियन कहलाता था, और उसके कोलैबोरेशन से भिलाई पे स्टील प्लांट खोला गया। फिर उसके बाद बात करें दुर्गापुर स्टील प्लांट की, जो दुर्गापुर में है वेस्ट बंगाल में, विच वॉज सेटअप विद ब्रिटिश कोलैबोरेशन। देखिए, यहाँ पर इंग्लैंड के कोलैबोरेशन की मदद से दुर्गापुर स्टील प्लांट खोला गया, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। देखिए, आपको क्लियर कट यहाँ पर फर्क समझ में आना चाहिए, राउरकेला के लिए कौन था जर्मनी, भिलाई में कौन था सोवियत यूनियन, और दुर्गापुर के लिए कौन था ब्रिटिश। नेक्स्ट अगर हम बात करें बोकारो, देखिए बोकारो स्टील प्लांट जो आज की डेट में झारखंड में है, ये भी 1965 में एस्टेब्लिश हुआ था। इट वॉज सेटअप विद द सोवियत कोलैबोरेशन, इसको भी सोवियत कोलैबोरेशन के थ्रू ही इसको चालू किया गया था, मतलब भिलाई स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट, ये दोनों के दोनों सोवियत कोलैबोरेशन से चालू किए गए थे। इसके बाद अभी जो इसको स्टील प्लांट है आईएसपी, ये बुरनपुर इन असनोल 1918 में चालू हुआ था वेस्ट बंगाल। तो बेसिकली ये पांच जो स्टील प्लांट्स हैं वो आज की डेट में सेल के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सेल की अभी करंट टाइम पे जो चेयरमैन है, दैट इज सोमा मंडल। देखिए, सोमा मंडल का नाम आपको याद इसलिए भी रखना है कि ये अभी जो सोमा मंडल जो चेयरमैन बनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, ये फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ये सबसे पहली महिला हैं जो कि सेल की चेयरमैन बनी है, सोमा मंडल। तो ये आपको याद रखना है सोमा मंडल के बारे में, जो कि सेल की करंट में चेयरमैन है, और सोमा मंडल का नाम आपको याद रखना है कि बिकॉज शी इज द फर्स्ट वुमेन हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर। महारत्न कंपनी में सबसे पहली कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आज हमने पढ़ा, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, वो क्या काम करती है, उसका एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ, फिर करंट टाइम पे उनकी चेयरमैन कौन है। सो आई होप कि आपको ये सेल का जो वीडियो है ये समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। कल हम लोग जिस भारत महारत्न कंपनी के बारे में बात करेंगे वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम नाउ ऑन। थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद।